बचा 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 अभी हम लोग का ये पूरा ये करने का वजह क्या है? अच्छा है साहब, आप लोग हम गरीब आदमी का आप लोग नहीं देखे है। आराम से आराम से धीरे धीरे चलो हल्लू हल्लू चलो आराम से आराम से चलो आराम से आराम से मैं आपको बाद में बोलता हूँ। फिर मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल रात में एक्चुअली मैं इस मुकाम पर हूँ। ये जो बर्मा से आकर लोग हमारे हैदराबाद में रह रहे हैं, बालापुर में बर्मा वालों का कैंप है। यहाँ पर तकरीबन एक 10 साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। जब से ये बर्मा में जब इन लोगों पर जुल्म हुआ, इनके लोगों को मार दिया गया, हाथा काट दिए, इनके पैरा काट दिए, तो ये मजलूम लोग हैं वहाँ से आकर यहाँ पर रह रहे हैं। और तकरीबन सब लोगों का ने हमारे आई सी एच आर का इनका ने कार्ड्स भी है, UNHCR। ठीक, तो UNHCR यानी लीगली रह रहे हैं ये लोग। ये कोई मोहम्मद आसिफ नामी हैबिचुअल ऑफेंडर है, उन्हें गांजा पीने वाला, शराब पीने वाला, और ऑलरेडी उसके ऊपर 2 मर्डर केस है और एक 307 भी एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस है। इन्हें कई दिन से ये मोहम्मद आसिफ ये मरहूम मोहम्मद इब्राहिम को पैसे मंग रहा था, तंग कर रहा था। तो कल रात में भी कुछ बहस हुई। बहस होने पर मोहम्मद आसिफ और खयूम और एक नामी ये लोग जो है मोहम्मद इब्राहिम को चाकू से मारे, मार के पूरा उसका कलेजा बाहर निकाल दिए और उन्हें स्पॉट डेड हो गया। और बड़े अफसोस की बात है कि बेचारी उनकी बेवा है नसीमा, ये मरहूम को जो है 1.5 महीने का बच्चा है। तो सबसे पहले ये है कि जब उन्हें 2 मर्डर केस में हैं, एक हाफ मर्डर है और उन्हें गांजा पीने वाला हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसको बाहर कैसा रखे पुलिस वाले? यानी छोटे मोटे वाकियात पे पीडी एक्ट डाल के 2-2 साल लोगों को अंदर करते हैं। तो सबसे पहले यह सवाल है कि इसको जो है ये रचाकंडा पुलिस उसको बाहर कैसा रखी? अब यहाँ पर ये लोग पूरा एहतजाज कर रहे थे, तो यहाँ पर जो लोग एहतजाज कर रहे थे, हो सकता कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आता, ये लोगों के बाद में इनको परेशानी होती। मेरे को जैसा ही मालूम हुआ मैं आया, हमारा पहले तो वो बेचारे की पूरी बॉडी खुली हुई है, उसको यानी मुर्दे को रख के तकलीफ देना नहीं है। हम पहले उसकी नहला कर उसकी तदफीन नमाज जनाजा के बाद में तदफीन करेंगे। कल मैं जाके कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात करेंगे हम और आला अहदेदारों से बात करके इसको जो है पहले पीडी एक्ट डाल के इन ट्रायल, यानी इसकी बेल नहीं हुई वैसा, क्योंकि इन्हें मुसलसिल कई लोगों को, अभी मेरे को हमारे मदरसे के कोई टीचर भी उन्होंने भी बोल रहे थे कि मेरे को भी डरा रहा था साहब, और बारहा ये लोग मुकामी पुलिस को बोल रही तो पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले रही।
तो आखिर क्या वजह है, क्या इसका कोई सियासी पार्टी से ताल्लुक़ है, क्या इसके कोई रिश्तेदार इसको बचा रहे थे, इसकी भी तहकीकात होना, मर्डर की तहकीकात होना, पुलिस के इनएक्शन की, जो पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे उसके ऊपर भी इंक्वायरी होना चाहिए। आप लोग सब्र से रहिए इंशाल्लाह, क्योंकि आप लोग जो है ख़ुद परेशान हो गए, यहाँ ऐसो है, अब यहाँ पर और परेशानी मत मोलिए, कानून हाथ में मत लीजिए, आप लोग कुछ ऐसी हरकत मत करिए, हम हैं आपका देखने के लिए। आप बोलना चाह रहे हैं अम्मा, कुछ बोलिए क्या होना, आप बोल, आप बात करो इधर आइए। ये इन लोग का हाल क्या बोल रहा है, अभी और धूप आया है, धूप आया जो है, फैमिली भी है उधर, हम लोग को, हम लोग जो आगे जाके इधर पुलिस वालों से उसका कंप्लेन कर रहा, उसके लिए एक्शन लियो बोल रहा, हर जगह जाके हम बात कर रहा, हमारे ऊपर हमारे कुछ नहीं होता, बेफिक्र हो, देखो सुनो मेरी बात, आप लोगों की गलती है, आप लोग अगर पुलिस वालों को बोले, पुलिस वाले नहीं सुने, तो यहाँ मुकामी कोई प्रेस वालों को बोलना, ये लोग तो दिन भर आपके दरमियान में फिरते रहते हैं, कभी बोले ये लोग आप लोगों को शिकायत करे, नहीं करे, इनको बोले तो एक ये लोग न्यूज़ चलाए तो पुलिस खुद एक्शन में लेती, आप लोगों को भी आदत है जुल्म सहने की, जुल्म सहे सह के आप लोग अभी वो हो जा रही, जब क्यों नहीं बोले, मैं आते जाते रहता हूँ, मेरे को पूरे लोग पहचानते हैं यहाँ पर, हाँ हम कितने बार आए आप लोगों के कैंप में, बोलना ना आप लगा, हमारे कने खुद तुम्हारा बच्चा है, किफायत है ना, कहाँ है इसका दोस्त है कहते ना उन्हें, हाँ हमारे कने इन्हें भी नहीं बोला कभी मेरे को, बोलना ना आप लगा,